नमस्कार दोस्तों, अजय सागर हेल्थ एजुकेशन चैनल में अजय सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो है दोस्तों राजकपोत आसन के बारे में। दोस्तों राजकपोत आसन के क्या लाभ हैं, क्या विधि है राजकपोत आसन करने की दोस्तों, और राजकपोत आसन करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों, इस वीडियो में आप ये सभी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने राइट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे, हल्का सा पैर को मोड़ के रखेंगे घुटने को, और पिछले वाले लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे पूरा अच्छे से। अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे, पीछे की तरफ खींच के तानेंगे हाथों का सपोर्ट लेते हुए। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने पंजे को मोड़ करके कूल्हे से टच करेंगे। ऐसा बार बार करेंगे जिससे आपके जॉइंट्स जो हैं पूरी तरह से खुल जाएं घुटने के, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी पैरों की। अब थोड़ा हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे, इस तरह से दो चार बार आपको करना है, इससे आपके हाथों के जॉइंट्स पूरी तरह से खुल जाएं। माथे से टच करेंगे, एक हाथ का सपोर्ट लेंगे, पूरा माथे को लगाने की कोशिश करेंगे पंजे से। पूरा माथा लगना चाहिए पंजे से, तो ही पूरा राजकपोत आसन लग पाएगा। अब दोनों हाथों से पकड़ लेंगे अच्छे से, अब रोक के रखेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी देर रोक सकते हैं, और एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे। बार बार नीचे जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके आएंगे अपने पंजे को, इससे आपकी हाथों की मांसपेशियां, शोल्डर जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से खुल, आपकी रीढ़ की हड्डी की अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी। इससे आपकी इससे रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब सामने की तरफ थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेंगे। बैकवर्ड बेंडिंग का यदि कोई भी आप आसन करते हैं तो ध्यान रखें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग हमेशा करनी है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपको कमर दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम राजकपोत आसन की प्रैक्टिस लेफ्ट लेग से करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे। ध्यान रखें घुटना हल्का सा मुड़ा रहेगा। और पीछे की तरफ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे कमर को, फिर से हाथ का सपोर्ट लेते हुए पंजा खड़ा रहेगा आपका पैर का, और पूरा पैर को सीधा रखेंगे अच्छे से स्ट्रेच करें। इस तरीके से कम 8-10 बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी प्रॉपर तरीके से खुले, इससे आपकी रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होती है वो उतना ही जवान होता है। अब सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, अपनी रीढ़ को रिलैक्स करेंगे, अपने पैर के पंजे को सीधा कर लेंगे, नमस्कार मुद्रा लगा करके पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से जितना कर सकते हैं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी प्रॉपर तरीके से खुल पाए, इससे आपकी शोल्डर भी प्रॉपर तरीके से खुल पाते हैं, चेस्ट की मसल प्रॉपर तरीके से खुलती है। अब सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है बैक में, उसे रिलैक्स करेंगे। पैरों की पोजीशन को थोड़ा ठीक करके अब जो है फिर से कूल्हे से टच करना है, इससे आपकी लेग की मसल्स प्रॉपर तरीके से खुलेंगी, उनमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग होगी, जिससे आपको राजकपोत आसन लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। थोड़ी देर होल्डिंग रखेंगे, हल्का सा आप इस तरीके से भी राजकपोत आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल्का सा हाथ के अंदर फंसा करके। अब राजकपोत आसन की पहले वाली स्थिति में आएंगे,
करेंगे एक पादराज कपोत आसन की प्रैक्टिस। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, हाथ को घुमाएंगे, दो चार बार थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें हाथ को, जिससे हाथ के जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से खुल जाएं, जिससे आपको राजकपूत आसन लगाने में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। अब माथे से पूरा टच कर लें, हाँ, एक हाथ का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा स्ट्रेच करें। आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं राजकपूत आसन की, तो आप इसे ईजिली कर पाएंगे और भी एडवांस लेवल तक पहुंचा पाएंगे। इसकी एडवांस स्थिति में आप जो है अपने सिर को अपने घुटने से टच कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से मैंने माथे से टच कर लिया है अपने पंजों को, दोनों हाथों के सपोर्ट से मैंने पकड़ रखा है अपने पंजे को और पूरा स्ट्रेच कर रखा है। यही है राजकपूत आसन की स्थिति, पूर्ण स्थिति। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे जिससे आपका सिर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ जाए। यदि आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका जो माथा है आपके घुटने से लग जाएगा, पर लेकिन ये चीज़ जो है रेगुलर जब आप अभ्यास करते हैं तभी होगी। इससे हमारी लेग की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी रीढ़ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे शोल्डर जॉइंट्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से खुलते हैं शोल्डर जॉइंट्स, और कमर की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रजनन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं आपकी, उन सभी में भी फ़ायदा मिलता है इस आसन के अभ्यास से। आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है राजकपूत आसन। एक पाद राजकपूत आसन के फायदे। एक पाद राजकपूत आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से पीठ में दर्द व सेक्सुअल हेल्थ इत्यादि में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा इस आसन के कई अन्य फायदे हैं, आइए इन फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, पीठ, पेट, पैर व कूल्हों को करें मजबूत। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि एक पाद राजकपूत आसन का नियमित अभ्यास करने से पीठ, पेट, पैर और कूल्हों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। इससे मसल्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे इस क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। ऐसे में एक पाद राजकपूत आसन का अभ्यास करने से शरीर के इन हिस्सों को मजबूती मिलती है। पाचन तंत्र में करे सुधार। पाचन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक पाद राजकपूत आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। यह आसन कब्ज जैसी विभिन्न प्रकार की पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। दरअसल एक पाद राजकपूत आसन के नियमित अभ्यास से पेट और आंतरिक आंत के अंगों पर कुछ अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे पाचन तंत्र के कार्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही यह मल त्याग में सुधार करता है। इतना ही नहीं, इस आसन के नियमित अभ्यास से पाचन रस और एंजाइम के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। यह भोजन को पचाने में मददगार होता है, साथ ही शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर सकता है। तीसरा लाभ, यौन स्वास्थ्य करे बेहतर। एक पाद राजकपूत आसन का नियमित अभ्यास करने से सेक्सुअल हेल्थ में भी सुधार किया जा सकता है। इसे करने से यौन अंग स्ट्रेच होते हैं और उत्तेजना बढ़ती है, साथ ही यौन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी में सुधार आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह योग सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर कर सकता है। चौथा लाभ, गर्दन, छाती व कंधों को करें मजबूत। नियमित रूप से एक पाद राजकपूत आसन का अभ्यास करने से गर्दन, छाती और कंधों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। दरअसल इस आसन को करने से गर्दन, छाती और कंधे स्ट्रेच होते हैं। इससे इन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही यह आसन हड्डियों में होने वाले दर्द और सूजन को भी कम करने में मददगार होता है। पाँचवा लाभ, लीवर और किडनी को रखे स्वस्थ। एक पाद राजकपूत आसन का नियमित अभ्यास करने से लीवर और किडनी के कार्यों में सुधार किया जा सकता है। इस आसन को करते समय यह किडनी और लीवर में बहुत दबाव उत्पन्न होता है, इससे किडनी और लीवर के कार्यों में सुधार आ सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ राजकपूत आसना। राजकपूत आसन किसे नहीं करना चाहिए? पीठ, गर्दन और कंधों की सूजन से भी बचना चाहिए। कंधों की अव्यवस्था
अंग कमजोर पाचन का कारण बनने वाला एक कमजोर आंतरिक अंग इस आसन को बिना काम किए करने में मदद नहीं कर सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। कमजोर दिल वाला कोई व्यक्ति और तीव्र अस्थमा से पीड़ित, अन्य गहरे अवसाद और चिंता से पीड़ित किसी को इस मुद्रा से बचना चाहिए। कम लचीलेपन के साथ यह मुद्रा असुविधा पैदा कर सकती है और इसलिए गहरी मुद्रा में आने से पहले कपोतासन के सरल रूपों के साथ लचीलेपन पर काम करें। गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित व्यक्ति को इससे बचने और पैर में बहुत अधिक तनाव होता है। एक पादराज कपोतासन, राजा कबूतर मुद्रा, करते समय इन सावधानियों का रखें ध्यान। पहला, अपने दाहिने घुटने को अपनी दाहिनी कलाई के पीछे उठाते समय अपने शरीर के वजन को दाईं ओर शिफ्ट करें। यह आपके दाहिने हाथ पर दबाव डालेगा, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वजन परिवर्तन को अवशोषित करने के लिए नींव पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, बाएं पैर को शरीर के पीछे सीधा रखना चाहिए। किसी भी दिशा में पैर के गलत स्थान पर रखने पर मांसपेशियों में चोट लगने की कुछ संभावनाएं बनी रह सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की पेशीय दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, जब अभ्यासी अपने बाएं पैर को पीछे खिसकाते हुए अपने श्रोणी को फर्श पर लाते हैं तो व्यक्ति को दाहिनी एड़ी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यह सीधे बाएं कूल्हे की ओर होना चाहिए और इसे वहीं रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भटकाव के कारण दाहिने घुटने पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राजकपूत आसन के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस जानकारी को दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं दोस्तों उन तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को हिट करना भी, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके हाथ से छूट ना जाए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं जयसागर आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।